ये एक गांधी जी का चरखा। अच्छा गांधी जी का चरखा भी है यहाँ पर जी जी जी। इसमें सारी दूध की साइकिल है तैयार की जाती है भाई। तोप भी मिल रही है यहाँ पर, तोप भी मिल रही है। कितने दिन लग जाता है पूरा रेडी करने में जी? अभी इनकी जो वॉइस है आप सुनिए ध्यान से जी। इनको ज्यादातर डोरबेल में यूज किया जाता है। रिक्शा, ये रिक्शा भी बनाता है। अच्छा अच्छा ये रिक्शा भी है यहाँ पर। ये रिक्शे का रेट कितना है? 450 रूपए। बुलेट बनाई है। अच्छा ये बुलेट भी 250 रूपए की कीमत है। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. मैं सुनील रावत आज के खुद चैनल से, और आज की इस वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे बैक साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा इंडिया गेट जी। अगर मैं यहाँ पर आपको इस साइड का नजारा दिखाऊं तो यहाँ पर बैक साइड में लगा हुआ है हुनर हाट जी। हाँ हुनर हाट लगा हुआ है यहाँ पर इंडिया गेट के जस्ट सामने। हुनर हाट की जो डेट है यहाँ पर 13 फरवरी से 23 फरवरी तक ये हुनर हाट चलेगा, और इसकी जो टाइमिंग है वो है सुबह 11 बजे से रात को 10:30 तक। एंट्री टोटली फ्री है, और ये लगाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। मैं आपको बताना चाहूंगा इसको लगाने का जो मेन मकसद है वो है कि जो हमारे शिल्पकार हैं, हमारे हैंडीक्राफ्ट जो काम करते हैं लोग, उनको जो है बढ़ावा दिया जाए, उनको रोजगार में उनकी हेल्प की जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो है अलग अलग स्टेट के स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें आपको वहाँ की स्पेशल जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनकी नॉलेज मिलती है, आप उन्हें खरीद सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर उनके स्पेशल फूड खाने का भी मौका मिलता है, क्योंकि उनके भी यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। सेम टाइम पे अगर बात करूँ तो यहाँ पर कल्चर एक्टिविटीज भी होती रहती है बैक साइड में। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे मेरे साथ हैं अंश साहू, जिनका चैनल है ए स्कूल। सो अंश साहू कैसे हैं भाई? तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। एक्चुअली यहाँ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इंदर जी और सुनील जी ने मुझे बताया कि यहाँ पे लगा हुआ है हुनर हाट, और इन्होंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये किस पर्पज के लिए लगा हुआ है, और इसकी जो टाइमिंग है वो क्या है। और चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए कहाँ, अंदर की तरफ, और देखते हैं अंदर का नजारा। तो गाइस आप जैसे कि देख रहे हैं हमने यहाँ पर हुनर हाट में एंट्री कर ली है। ऑलरेडी पार्ट वन डल चुका है, आप प्लीज उसको जरूर देख लीजिए। सो गाइस आप मेरे बैक साइड में देख रहे होंगे स्टॉल नंबर 99 रॉट आयरन हैंडीक्राफ्ट का ये स्टॉल है, और मेरे साथ हैं यहाँ पर इनके ओनर। सर आपका नाम क्या है? सैयद सलमान जी। सैयद भाई आपके जो स्टॉल में सामान है वो किस चीज का प्रोडक्ट आपने रखे हुए हैं इस स्टॉल में? ये हमारा रोट आयरन हैंडीक्राफ्ट का है जी। सारे प्रोडक्ट आपके वही हैं जी? जी आप कोई अपने जो प्रोडक्ट जो आपके फेमस हो आपके स्टॉल के कुछ बता सकते हैं? जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ ये जैसे हाँ। हमारी दूध की साइकिल है जी जी, और ये हमारी एक रेडी है जी। अच्छा ये बताइए इसका जो दूध की साइकिल आपने बताई इसका रेट कितना है? ये 1100 का। और वो जो एक ठेली थी ये 700 रूपए की, 700 रूपए की ठेली है, काफी सस्ता बेच रहे हो। और एक ये गांधी जी का चरखा। अच्छा गांधी जी का चरखा भी है यहाँ पर जी। रेट क्या इसका? इसका 550 रूपए, सिर्फ 550 रूपए जी। और आप बता सकते हैं कोई और प्रोडक्ट जो आपका सबसे ज्यादा फेमस है? यहाँ पे तोप भी तैयार की जाती है भाई, तोप भी मिल रही है यहाँ पर, तोप भी मिल रही है। कितना रेट इसका? इसको बनाने में कारीगर को 1.5 दिन लगता है जी। 2500 रूपए की है, 2500 रूपए की है। मार्केट में इसकी कीमत 5000 रूपए है। अच्छा तो इतना सस्ता कैसे? ये ब्रास की है। अच्छा जो है गवर्नमेंट की तरफ से है। अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टॉल दिया जाता है। ये हुनर का हौसला है जी 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 जी। और मैं हमारे हाँ जी हाँ जी जी हमारे यहाँ ये लैम्प है, पूरा एक वर्ग में है टर्की का जी। और ये जो लैम्प है ये किस चीज में बने हुए हैं जी? ये तुर्की कॉपी करी है हमने जी, मोज़ाइक वर्क बोलते हैं इसको। अच्छा इसका चार्ज कितना हुआ? इसका 1500 रुपीज। 1500 होगा जी जी। और इसके अलावा ये सिलेंडर? ये सिलेंडर है जी। और हमारे पास जो है अभी सिलेंडर में रेट भी बढ़ गया पता आपको जी? सिलेंडर 900 रुपए जी। और टैंक भी हमारे यहाँ। अच्छा टैंक भी है, सब चीजें रखी हुई है आपने सर भी है। अच्छा इनके रेट और बता दीजिए मेरे को। ये हमारे यहाँ सबसे बढ़िया है, 1500 रुपए का पोर्ट है। 1500 रुपए का मार्केट में जाएंगे 2100 रुपए की कीमत है जी जी। और हमारे यहाँ विंड चैन जो है हम खुद बनाते हैं। अच्छा ये विंड चैन आपने खुद बनाई हुई है जी जी। तो ये जो विंड चैन है इनका रेट कितना होगा? और ये देखो ये रिक्शा है 500 रुपए का जी, 550 रुपए का बनाते हैं जी जी बिल्कुल। कितना टाइम लग जाता है इसको बनाने में? इसको हमें बनाने में 3 घंटे लगते हैं। अच्छा 3 घंटे लग जाता है। पुराने जब हम बचपन में खेलते थे वो भी हमने इस बार हमने नया। अच्छा
बच्चे के बचपन में ये गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, बचपन में आपने ये गेम बहुत खेला होगा। ये देखिए पूरा गेम है जी, इसका रेट कितना है? कॉपी बनाई है जी। इसका रेट कितना सर? इसका 250 रुपए जी। और ये जो है यहाँ पर गन भी है, गन ये गन इन्होंने बनाई हुई है, इसका 2500 रुपए की जी जी जी। तो 2500 रुपए कॉपी है ये पूरी सर। और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ बैक साइड में काफी और प्रोडक्ट भी है आपके पास। डोरबेल भी है डोरबेल ये कितना चार्ज होगा इसका? ये पूरा चार्ज है। कितना रेट है? 1800 का पड़ेगा। सलमान जी आप मेरे को ये बताइए, मेरे को यहाँ पर वॉच दिख रही है ऊपर की साइड जी जी, तो इनका रेट कितना हो गया जो ऊपर दिख रही है? ये 1500 की है और एक एप्पल की कॉपी बनाते हैं वो भी 1500 की सेल। तो एप्पल की वहाँ पर दो दिख रही है, उनमें से कौन सा क्या रेट है? वो जो साइड वाली है वो 1500 की, बीच वाली 1000 की सेल करते हैं। और ये रिक्शा भी बनाते हैं। अच्छा ये रिक्शा भी है यहाँ पर। ये रिक्शे का रेट कितना है? 450 रुपए। बुलेट बनाई है। अच्छा ये बुलेट भी है? 250 रुपए की कीमत है। जी जी जी। अच्छा ये मिरर दिख रहा है सामने मेरे को, मिरर का रेट बताएंगे? ये 1200 रुपए का मिरर है। ये 1200 रुपए का मिरर है। और ये संदूक है, ज्वेलरी बॉक्स है। अच्छा ज्वेलरी बॉक्स जी, ये ज्वेलरी बॉक्स है आपका? जी जी जी। सबसे ज्यादा वैरायटी मिलेगी हमारे यहाँ झूला सोफा, ये स्टेट अवार्ड ही है। अच्छा स्टेट अवार्ड आपको मिल चुका है इसके लिए? जी जी भाई को हमारे जी। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट और सबसे ज्यादा कैटेगरी इनकी शॉप में, इनके आउटलेट में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, और एक बड़ा काफी झूला भी है, उसका भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। सलमान भाई मैं देख पा रहा हूँ हमारे बैक साइड में एक झूला रखा हुआ है, झूला है तो ये सेल के लिए आपने रखा हुआ है यहाँ पर। इसका रेट है, ये 3 सीटर है। रेट कितना है इसका? ये 18000 रुपए। 18000 का जी जी। बैक साइड में एक और है वहाँ पर, ये 15000 रुपए का। ये 15 का, ये वाला इधर वाला, ये 2 सीटर है जी जी। और हमारे यहाँ ये जो बेंच वगैरह है, स्टूल वगैरह है, टेबल वगैरह जी, ये भी हम खुद बनाते हैं जी। ये सब खुद ही बनाते हैं जी जी। और ये पीड़े वगैरह ये सब बनाते हैं जी जी। ये सब खुद वगैरह देखिए, ये खुद बनाते हैं। ये पॉट का चार्ज कितना होगा? जो पॉट दिख रहे हैं मेरे को, ये 5000 का है। 5000 का है। ये पेयर है या सिंगल है? नहीं सिंगल आता है। अच्छा सिंगल है। अच्छा मेरे को एक चीज फाइनल मेरा क्वेश्चन है आपसे, सबसे ज्यादा आपके जो शॉप से या फिर आपके आउटलेट से कौन सी प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा सेल होता है? हमारे पॉट वगैरह और झूले हमारे और सोफे वगैरह ये हमारे सबसे ज्यादा सेल होते हैं जी। सो गाइज आपने देखा इनका जो स्टॉल है यहाँ पर लगा हुआ है, मैंने आपको इसके पूरे व्यूज दिखाए, इन्होंने उनके रेट भी बताए। आप अगर हुनर हाट में आ रहे हैं तो प्लीज इनके स्टॉल में जरूर आइए, काफी कैटेगरीज इनके स्टॉल में अवेलेबल है, एक बार जरूर आइए। और इसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिल चुका है। तो सर थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको लोहार सिद्दीक हसन, ये इनका स्टॉल है, स्टॉल नंबर है 32। तो यहाँ पर आपको मिलेंगी कॉपर बेल्स, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कॉपर बेल्स का, इन्होंने यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है। और जितने भी यहाँ पर बेल्स आपको देखने को मिल रही है सारी ये कॉपर से बनाई हुई है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं सिद्दीक जी से। तो सर कैसे हैं आप? कुछ प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए, उनके रेट बता दीजिए। जरूर सर जी। जैसे हमारे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। हाँ जी हाँ जी। ये मिक्स मेटल से बनाया गया, तांबा पीतल लोहार कांस है, इसको बजाते इसी तरह जी जी जी। इसमें स्वर निकलते सरेगामा पादा नहीं से। अच्छा जी। और इनकी कीमत है 15000 रुपीज, 15000 रुपए की। बिल्कुल जी। इसके ऊपर पूरा मेहनत का काम किया गया है। हाँ जी। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है वो हैंडमेड है? जी पूरा हैंडमेड है, इसमें मशीनरी नहीं। इसका जो वॉइस बज रहा है जी वो भी हैंड पे बनाया गया है जी। सर कोई और प्रोडक्ट के बारे में बता पाए हमें? सर ये मैंने ये बनाया विंच है, ये हवा में बजता है जी, अपने आप हवा में बजता रहेगा जी। और इसका कॉस्ट कितना होगा सर? ये वाला 1800 का जी। इसमें तो ये मेरे को लग रहा है लाइफ टाइम ही चलेगा, ये कुछ खराब होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ये लाइफ टाइम चलने वाली चीज है जी जी जी। मेटल चीज है। हाँ जी। खराब होने वाली चीज जी जी। सर आप ये जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये भी जो नीचे यहाँ पर ये दिख पा रहा है ये प्रोडक्ट, ये भी सेम ही है क्या? ये बैल ही है क्या? सर ये भी मेरे को इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा नक्शी वाला है, वो अलग है जी, थोड़ा अलग हमने बनाया जी। इनकी रेंज नॉर्मल है जी। इसका चार्ज कितना पड़ेगा सर?
6500 का पड़ेगा। तो मेनली इसे किस जगह लगाया जाता है, अगर कुछ बता पाए हमें? सर जी इसको तो मेन रोड पे लगाते हैं, एंट्रेंस पे। अच्छा, जो ज्यादातर जो म्यूजिक जो ड्रम्स वगैरह जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको इसकी यूज करते हैं बजाने के लिए। अच्छा अच्छा जी जी। हमारी ज्यादा डिमांड वाली चीज और सबसे हमारी यूनिक चीज स्टार्टिंग में सारी डिजाइनिंग तो दिख रही है। हाँ जी, उसमें से हमने फर्स्ट डिजाइन इसको डाला है, मेरे हाथ में बैग वाली रस्सी है जी। वेल तो अलग अलग साउंड है इसकी, वाली लूप है। So, हर बैल में अलग साउंड आ रहा है? जी सर, सारी बैल में अलग है जी। तो ये इनकी खासियत है? जी खासियत है, उस साइज के हिसाब से इसका हम साउंड देते हैं। जैसे दबाव की वजह से हम इसका साउंड सेट करते हैं। हाँ जी। और सारे डिजाइन में हमारे फर्स्ट यूनिक डिजाइन ये है जी, ज्यादातर इनका ही मांग रही है जी। हमारे असिस्टेंट और सर इसका कॉस्ट कितना होगा सर सादिक जी? ये 1800 का है जो मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, 1800। सो गाइज इसका रेट है 1800। जी सर, जी जी। ये मेन डोर पे लगा सकते हैं, जैसे हम हाँ जी लगा दें इंडियन टोरन जी जी, उसी साइज में हम इसको लगा सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से? जी सर, जैसे कई बार हम हैप्पी दीपावली लिखते हैं तो उस टाइप से भी लगा सकते हैं सर। जी जी। तो सादिक जी कुछ एक दो प्रोडक्ट और बता दीजिए हमें थोड़े से। जी सर जी, एक साइज हमारे पास एक प्रोडक्ट है और डोरबेल की यूज किया जी जी, और सबसे अलग से हमने बनाई है और इसको मेकिंग करने में एक दिन लग जाता है। अच्छा, पूरा एक दिन लगता है बैल को बनाने में? बैल मेरे हाथ में, इनको पूरा एक दिन लग जाता है पूरा रेडी करने में जी। अभी इनकी जो वॉइस है आप सुनिए ध्यान से जी, तो इनको ज्यादातर डोर बेल में यूज किया जाता है। हाँ जी, जी। मेन डोर पे हम इलेक्ट्रॉनिक बेल यूज करते हैं जी, इनकी वजह से आपने हमने जो हमारा नेचुरल ट्रेडिशनल बेल्स ये डाला। सादिक जी एक चीज और बताइए मेरे को कि इनका वेट कितना होगा, कहीं ज्यादा भारी तो नहीं होंगे? नहीं, ज्यादा भारी नहीं, इनके 3 किलो के। अच्छा, सबसे वेट है जी जी, ये 3 किलो का इसका वेट है मेरे हाथ में, ये 3 किलो जी जी। सादिक जी कोई जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये यहाँ पर एक चीज और दिख रही है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, ये क्या कौन सी चीज है जो दिख रही है? ये कैंडल के लिए चीज बनाई है, दीपावली के टाइम पे ज्यादा यूज होती है, इसको कैंडल रख सकते हैं। हाँ जी, बचती है जी। सो जी जी, बनाई ये कार भी। हाँ जी, वो ये बेल्स के मेल मेटल बेल है और ये एम्ब्रॉयडरी वर्क जो कच्छ का लोकल वर्क रहता है। हाँ जी, जी। उसको हमने ज्वाइन करके इसको हमने कार हैंगिंग में यूज किया है जी। इसमें दो सादिक जी, अगर आप इनके साथ में हमें इनके रेट भी बता पाए तो काफी अच्छा होगा हमारे लिए। दो बंदे तो सचिन का आगे आएंगे। हाँ जी, 50 कितना बताया आपने? 250 जी जी। और यहाँ पर आपने इस प्रोडक्ट का बताया था, इसका बता देंगे दोबारा? 1200 ये 1200 पड़ेगा। और इनके ऊपर हम कैंडल रख के जला सकते हैं जी, चाहे वो दीपावली या फिर नाइट हो, किसी भी ओकेजन में हम इसे यूज कर सकते हैं कैंडल जला के। ये उसी का सेम वर्जन है, छोटा वर्जन है ये? ये छोटा वर्जन है, 3 किलो जी जी जी। और प्राइस है 500 जी, 500 में। सो इसका बेनिफिट ये है कि कैंडल के साथ साथ आपको जो है एक अच्छी धुन भी सुनने को मिलती है बैल की जी। सो आप गाइस जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको इनके स्टॉल में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मेनली जो है इनके स्टॉल यहाँ पर बैल के आपको ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जी। आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। चलिए गाइज आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी हुनर हाट की। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चलिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, वंदे मातरम।